हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज का ये जो वीडियोस है वो इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस होने वाला है। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ अंबानी जो अडानी है, गौतम अडानी, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हाउ अडानी बिकम रिचर देन अम्बानी। तो अडानी कैसे अम्बानी से कह सकते हैं कि आप ऊपर चले जाते हैं, वो पैसे के मामले में हो, कि रिचेस्ट कैसे बन जाते हैं, इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कुछ यूं ही होती है कि न्यूज़ में आता है हिंडनबर्ग एलिगेशंस, जो कि रिपोर्ट देती है कि शॉर्ट सेलिंग के बारे में, कि रिपोर्ट देती है कि जैसे कंपनी की लिस्टिंग करती है, जो हिंडनबर्ग एलिगेशंस है वो कंपनीज की लिस्टिंग करती है कि ये शॉर्ट सेलिंग कर रही है या गलत तरीके से सेल करके पैसे कमा रही है। तो उसके रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी जो है इंडिया के रिचेस्ट मैन बन जाते हैं ओवर 7.7 बिलियन। ठीक है, बिलियन डॉलर ऐड करते हैं अपने नेटवर्थ में, और एक दिन में, ये एक दिन की बात होती है कि एक दिन में 7.7 बिलियन जो है वो अपने नेटवर्थ में एक दिन में ऐड करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो मुकेश अंबानी को पास कर जाते हैं, सरपास कर जाते हैं बाई एडिंग 7.7 बिलियन डॉलर इन अ सिंगल डे। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं कि अब इस न्यूज़, ये न्यूज़ आती है और पता चलता है। ठीक है, अब इसके कहा आगे की कहानी समझते हैं। पहले अडानी के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं कि जो कंपनीज हैं अडानी की, तो इसके पहले आप लोगों ने बहुत ही रेयर, बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि अडानी की कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। जैसे अडानी पावर लिमिटेड, जो कि थर्मल पावर का काम करती है, थर्मल पावर जनरेशन का। वहीं बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो नेचुरल रिसोर्सेज का काम करती है, अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन का काम करती है, और अडानी सोलर, जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। वहीं बात करें तो अडानी विंड, जो विंड टरबाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और आगे बात करें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड या अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो है वो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। वहीं इनकी एक और कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। आगे की बात करें तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड, जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ये टोटल 10 कंपनियां इनकी कंपनीज हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि इनकी कितनी कंपनियां हैं, और बहुत कम कंपनियों का आपने नाम सुना होगा, इस वीडियो में आप समझ भी पाए होंगे। आगे की बात करें तो एक डाटा प्रस्तुत करता हूँ आप सभी के सामने कि जो कि जनवरी 2020 की बात है, तो अंबानी की जो नेटवर्थ रहती है वो 59 बिलियन डॉलर रहती है। वहीं बात करें अडानी की, तो उस समय जो अडानी की संपत्ति या कह सकते हैं आप प्रॉपर्टी रहती है 10 बिलियन डॉलर ही। तो सोच सकते हैं आपके अंबानी का 59 बिलियन और अडानी का 10 बिलियन, ये जनवरी 2020 का डाटा है। अब बात करते हैं 2022 का, 2022 के डाटा की बात करें तो अंबानी का जो नेटवर्थ रहता है 87.9 बिलियन डॉलर रहता है, वहीं अडानी की बात करें तो 88.5 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ रहती है। ये 2022 का डाटा है। अब आगे चलते हैं, इसी के बाद में एक रोचक तथ्य बात करते हैं कि डेली एडिशन टू वेल्थ, मतलब एक दिन में अपनी कंपनी से, अपनी सब प्रॉपर्टी में जो एक दिन का एडिशन है इनकम का, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो अडानी है वो 36 मिलियन डॉलर एक दिन में अपने नेटवर्थ में इनकम ऐड करते हैं। तो समझ लीजिए कि इसका सीधा सा मतलब कहें तो एक दिन में 36 मिलियन डॉलर कमाते हैं अपनी पूरी कंपनियों से। वहीं अंबानी की बात करें तो 1.8 मिलियन डॉलर ये एक दिन में कमाते हैं। ठीक है, ये अभी रिसेंट की डाटा है। अब आगे बात करें तो अब कहानी की बात करते हैं कि समझते हैं कि क्या है थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका। ठीक है, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड या कहाँ से आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करें कि कांडला पोर्ट, ठीक है, गुजरात कांडला पोर्ट में, कांडला पोर्ट जो है ये यहीं से अडानी का खेल शुरू होता है। और शुरुआत में ये पोर्ट जो है यहाँ से ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस पोर्ट को परचेस करते हैं। उसके बाद ये पहला पोर्ट रहता है जो ख़रीदते हैं। उसके बाद धीरे 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 ये मुंबई, फिर जो NPT, मोरमुगाओ, मैंगलोर, कोची, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया
और कई भी ऐसे पोर्ट्स हैं जिन पर अंबानी का कब्जा, अडानी का कब्जा है, ठीक है। तो इतने सारे पोर्ट्स खरीद लेना, मतलब समझ सकते हैं कि आप हर जगह कहीं ना कहीं इनका ही बोलबाला है। तो अब वीडियो के आगे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अंबानी का बैकग्राउंड क्या है और गौतम अडानी का बैकग्राउंड क्या है। तो अंबानी की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जिनको बना बनाया बिजनेस, एक शब्द में कहें तो जिनको बना बनाई संपत्ति मिल जाती है और फिर उसी संपत्ति को आगे बढ़ाना खुद के दम पर, वो इस छोटे से बैकग्राउंड से आते हैं। छोटे क्या मतलब, एक ऐसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं अंबानी। तो इन्होंने जो अपनी स्टडीज़ है वो इंजीनियरिंग की, ठीक है, पहले किस इंस्टीट्यूट से, मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से। उसके बाद ये एमबीए ड्रॉप आउट करते हैं एक अच्छी, एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद होता क्या है कि जैसे एमबीए ड्रॉप आउट करते हैं, उसके बाद ये अपने पिताजी के बिजनेस में, धीरू भाई अम्बानी जिनका नाम है, उस उनके बिजनेस में मदद करने के लिए वो एमबीए ड्रॉप आउट कर देते हैं और धीरे धीरे वो पिताजी के बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। और जैसे एक्सपेंड किस सेक्टर में करते हैं, टेलीकॉम में और रिटेल कंपनियों में ये घुसते हैं या एक्सपेंड करते हैं। अब बात करते हैं तो गौतम अडानी की, तो इनका तो बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत छोटी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करके इतना बड़ा आदमी बन जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो गौतम अडानी की बात करें तो इनकी जो शुरुआत होती है फैमिली बिजनेस, इनके फैमिली बिजनेस वो टेक्सटाइल ट्रेडर से स्टार्ट करती है और ये टोटल 7 भाई रहते हैं, 7 सिबलिंग्स जिसको हम कह सकते हैं। तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये कॉमर्स डिग्री के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होते हैं, लेकिन उसके बाद ये ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक, क्यों ड्रॉप आउट करते हैं, क्योंकि ये डायमंड, ठीक है, डायमंड ट्रेड में मुंबई में घुसते हैं, मतलब ड्रॉप आउट करने के बाद इनको डायमंड में अच्छा लगता है कि मतलब बिजनेस यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, और वो अपना हाथ पैर डायमंड ट्रेड की तरफ मारते हैं। आगे की बात करें तो इसके बाद इनके एक भाई रहते हैं जो प्लास्टिक मोल्ड का काम करते रहते हैं, ठीक है, वो भाई काम करते रहते हैं। तो उनके फिर इनके भाई इनको गुजरात अहमदाबाद बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए या हमारा साथ दीजिए इस बिज़नेस में। तो ये दोनों भाई मिलते हैं और ये बिल्कुल इनकी मदद करते हैं गौतम अडानी जी कि जो ये प्लास्टिक जो मोल्ड्स, प्लास्टिक मोल्ड्स जो हैं वो ऑफ ग्रेनुल्स जिसको हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े बनाने होते हैं। तो वो होता क्या है कि जो डोमेस्टिक मार्केट रहता है वो इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है। तो ये क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट करने की सोचते हैं, इम्पोर्ट करने की सोचते हैं कि बाहर से हम, बाहरी विदेशी देशों से हम चीज़ों को मंगाएंगे जो भी इसका रॉ मटेरियल्स होंगे, और वो मंगाते हैं और वहीं से इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आइडिया होता है। और आइडिया ऐसा होता है कि इनको दिखाई देता है कि हाँ, इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत ही होती है इनकी कंपनी की, अडानी की, अडानी एक्सपोर्ट, जो अडानी एक्सपोर्ट सबसे पहले इनकी कंपनी रहती है। उसके बाद यहीं से स्थापित करते हैं ये, उसके बाद यही कंपनी आगे चल के धीरे धीरे अडानी इंटरप्राइजेस में बदल जाती है। फिर धीरे धीरे ये हर जगह एक्सपेंड करते हैं, हर फील्ड में जाते हैं, लाइक कोल के फील्ड में, पावर में, रियल इस्टेट में, ऑयल एंड गैस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और पोर्ट में, एक्सेट्रा जगहों पर ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि कैसे ये अमीर बनते हैं। तो वही कहते हैं कि वक्त बदलने में समय नहीं लगता, ये वक्त है साहब, कभी भी बदल सकता है। तो 8 फरवरी 2022 की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग ऑफ बिलीनियर्स, जो कि एक ब्लूमबर्ग है जो रिपोर्ट ये जारी करती है, ग्लोबल रैंकिंग ऑफ बिलीनियर्स, इसमें जो अडानी रहते हैं उस टाइम 8 फरवरी 2022 के, इसको डेट को अच्छे से समझिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी कैसे ये इतना जल्दी बन जाते हैं अमीर आदमी। तो ग्लोबल रैंकिंग ऑफ बिलियनियर्स डाटा देता है ब्लूमबर्ग, जो कि ब्लूमबर्ग के द्वारा दिया जाता है। तो उस समय अडानी 10 स्पॉट पे, मतलब 10वें नंबर पे रहते हैं और अंबानी 11th नंबर पे रहते हैं। उसी के बाद होता क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक, उसमें मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं अडानी के जो शेयर्स, जो भी एनर्जी के बिजनेस रहते हैं, वो थोड़े से डाउन होते जाते हैं, ठीक, बहुत सारे डाउन होते हैं। और उसी समय अंबानी क्या करते हैं कि फिर से अंबानी रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं एशिया के। अब आगे की बात करें 2023 में, वो भी
अडानी के लिए बहुत बड़ी, बहुत मतलब एक कह सकते हैं बहुत बुरी परिस्थिति रहती है, एक ऐसी सिचुएशन रहती है कि जिसको जिसमें चीज़ों को बैलेंस करना बहुत आसान नहीं रहता। लेकिन उस समय अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन रहते हैं, 2023, ये 2023 की बात कर रहे हैं, थर्ड रिचेस्ट पर्सन रहते हैं विथ नेटवर्थ, इनकी नेटवर्थ इस समय 100 बिलियन डॉलर रहती है, 121 बिलियन डॉलर, और इनकी बिलियन इनके जो नेटवर्थ है इतना डाउन आ जाता है 2023 में, वो 40 बिलियन रह जाता है। ठीक, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रहती है। तो यहीं से खेल शुरुआत होती है कि हिंडनबर्ग जो एलिगेशंस जो कंपनी है वो शॉर्ट सेलिंग का डाटा या कंपनी की लिस्टिंग करती है कि आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं कि अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, ये है। और यहीं से 121 से जब 40 बिलियन डॉलर 2023 अडानी का नेटवर्थ कम हो जाता है, 121 बिलियन से 40 बिलियन डॉलर पे आ जाता है, और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट देती है, और अचानक से इनके जो शेयर मार्केट के जो शेयर की वैल्यू रहती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक, बहुत डिक्रीज करने लगता है, और इनका दो जो 2023 रहता है ये बहुत बुरी परिस्थिति में गुजरता है, और अंबानी कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में आगे बढ़ जाते हैं, और उनके शेयर मार्केट की जो वैल्यू होती है शेयर की वो बढ़ जाती है। अब आगे बात करें तो 5 जनवरी 2024, ठीक, अब 5 जनवरी 2024 अभी जो बीता है उसी में अडानी ने एक दिन में बात करें तो 57.67 बिलियन नेटवर्थ अब एक सिंगल डे में ऐड करते हैं अपने नेटवर्थ में, कितना, 57.67 बिलियन डॉलर, तो एक दिन में ऐड करते हैं, और इंडिया के 12th रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं अडानी। अब इनकी बात करें तो जो टोटल नेटवर्थ हो जाती है, मतलब लगभग 63,000 करोड़ रुपए एक दिन में इनके नेटवर्थ में जुड़ती है 2024, 5 जनवरी 2024 में। तो अगर 57.6 बिलियन डॉलर को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 63,000 करोड़ रुपए आती है। अब 12th रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं अडानी, और इनका जो नेटवर्थ अब होता है 5975, मतलब 97.6 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर हो जाती है, और अंबानी की जो नेटवर्थ रहती है वो 1.97 बिलियन डॉलर रह जाती है। अब आगे की बात करें कैसे ये कैसे हुआ, कैसे इतनी शेयर इनके जो कैसे इतना जो इनका नेटवर्थ है एक दिन में 63,000 करोड़ रुपए कैसे बढ़ जाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लीन चिट आता है, जैसे ही हिंडनबर्ग एलिगेशंस की रिपोर्ट आती है, और इसमें होता क्या है कि सेबी और सीबीआई दोनों एक मतलब सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करते हैं कि हाँ हम इतने दिन में इसका रिपोर्ट सबमिट करके दे देंगे कि हाँ ये सच है या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट आता है, और कि हाँ जो इनकी नेटवर्थ है या जो भी इनकी अर्निंग है वो सही तरीके से कमाई गई है, और अचानक से इनके जो शेयर्स की वैल्यू रहती हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैसेस, अडानी इंटरप्राइजेस के 730% इंक्रीज होती है, मतलब 100 का 7वां भाग, मतलब जब भी इनकी नेटवर्थ इंक्रीज हुई है मल्टीपल्स में हुई है, 5 के मल्टीपल्स में, 7 के मल्टीपल्स में। अडानी ट्रांसमिशन 500%, 500% इंक्रीज होती है इसमें। अडानी पोर्ट्स में 95% इंक्रीज होती है, ठीक है, ड्यूरिंग सेम पीरियड, एक ही साथ में, ये जो सारी कंपनीज का नाम बता रहा हूँ मैं, एक ही साथ में इंक्रीज होती हैं, और तब जाके इनका ये वहीं बात करें तो फरवरी 8, 2022 में इनकी एक खुद की कंपनी जो फूडिंग की कंपनी होती है, ठीक, अडानी विलमेर, जिसमें जो अकेले 34,500 करोड़ रुपये इनकी मार्केट वैल्यू ऐड करती है इनके नेटवर्थ में। तो यहीं से इनकी बात करें तो समझ लीजिए कि इतने जल्दी शेयर्स की जो वैल्यू है इंक्रीज होती है, और लगभग 63,000 करोड़ रुपए इन अ सिंगल डे एक इंसान को अमीर बना देती है, रिचेस्ट पर्सन, एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना देती है। तो समझ लीजिए इस कहानी से या इस लेक्चर से बस आप इतना ही समझिए कि वक्त है, कभी भी बदल सकता है, बस आपको मेहनत करते रहना है, लगातार लगे रहना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कुछ यूं तरह रहा अडानी अंबानी का खेल, तो गौतम अडानी कैसे बनते हैं रिचेस्ट, और
मुकेश अंबानी को पिछाड़ के। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।